हेलो मालिक, प्रणाम। मालकिन के अचानक दर्द उठल, अस्पताल ले आई। नी मालकिन की बिटिया पैदा भइल। का? हाँ, बेटी पैदा भइल। मुबारक हो, आपका बेटा पैदा हुआ है। भैया मुबारक हो। अच्छा हे भगवान, तुहार लाख लाख धन्यवाद। आज ये परिवार की खुशी फिर से लौटा दे ले। ना ललन भैया, हमरे परिवार का खुशी लौटाए में तुहार सबसे बड़ा योगदान बा। ला, हम नदी में डूबे से ना बचेले होता, 6 महीना हम कोमा में हॉस्पिटल में रहली, तू हमार देखभाल न कैले होता, ताजी खुशी देखे का हमरा के मौका न मिलत। ना हरिया भाई, हम तो सिर्फ एक माध्यम रहली, करे वाला तो भगवान रहलन। और एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान के घर देर बा अंधेर ना। आपकी पत्नी की कोख में बेटा है। डॉक्टर सत्यनारायण कहाँ बा? पता ना, उता अपन ट्रांसफर करा के फिर कहाँ चल गईलन। ट्रांसफर? आप राजन सिंह बानी का? रुकी रुकी, आपके खातिर कुछ चीज देके गईल बाड़न। लिहे लिहे ना, कहले रहलन कि एक दिन राजन बाबू बड़ा गुस्सा में हमके खोजत आई है, तई लिफाफा दे दिया। सीडी? बेटी मुबारक हो राजन बाबू। छप गए? ऐसे बाप बड़े अभागे होते हैं राजन बाबू, जो अपनी बेटियों की हत्या करवाना चाहते हैं। राजन बाबू, भगवान के बाद अगर कोई जीवन देता है तो वह है डॉक्टर, और तुम एक डॉक्टर से एक बेटी की हत्या करवाना चाहते थे। बेवकूफ हो तुम, मूर्ख हो, पागल हो, और तुम्हारी लैंग्वेज में कहूं तो एक नंबर की चूत। इतिहास उठाकर देखो, बेटियों ने